टैंक इतना प्राचीन शब्द है कि इसे परिभाषित करना तो मुझे व्यर्थ ही प्रतीत होता है। जितना भी स्टूडेंट हैं सब कितना बार बैंक गए, बैंक को देखे, बैंक को जाने, बैंक को बढ़िया से आप लोग समझते हैं, फिर भी चूंकि वीडियो है तो बैंक का डिफिनेशन देते हैं। बैंक के डिफिनेशन में सबसे छोटा और जो मार्मिक परिभाषा जो अच्छा दिया है, जिसको छोटा और बढ़िया परिभाषा जो दिया है जो आपको बहुत अच्छा लगेगा, वो मैकेंजी का है। मैकेंजी ने कहा है कि बैंक वो है जो मुद्रा एवं साख पत्रों में व्यवहार करती है। मुद्रा और साख मतलब बड़ा सटीक परिभाषा है और निचोड़ भी देता है। एक और परिभाषा आप देखिएगा क्राउथर का, जो क्राउथर का डेफिनेशन बहुत जगह मिलेगा। क्राउथर महोदय ने कहा है कि बैंकर अपने तथा अन्य लोगों के ऋणों का व्यवसाय होता है, अर्थात बैंकर का व्यवसाय अन्य लोगों से ऋण देने और बदले में अप ऋण देने देना और इस प्रकार मुद्रा का सृजन करना है। मतलब बैंक में लोन देते हैं, यानी हम जो पैसा देते हैं या हमें जो पैसा दिया जाता है, तो हम जब पैसा देंगे तो मेरा पैसा इंक्रीज करेगा, और जब बैंकर्स से हम कर्ज लेते हैं तो बैंकर्स का पैसा इंक्रीज करेगा। तो इस दोनों घटना क्या करती है कि लोन का और पैसे का सृजन करता है। वेबस्टर शब्दकोश को भी हम लोग क्यों छोड़े, आइए वेबस्टर शब्दकोश के अनुसार देखिए जो इसका डिफिनेशन क्या है। कहता है कि बैंक वह संस्था है जो द्रव्य में व्यवहार करती है। किसे व्यवहार करती है? द्रव्य में, माने मनी जमा होता है, गेहूं नहीं, ठीक है। क्या कहा कि बैंक वो संस्था है जो द्रव्य में व्यवसाय करती है और एक ऐसी प्रतिष्ठान है जहां धन का जमा संरक्षण तथा निर्गमन होता है तथा ऋण एवं कटौती की सुविधा प्रदान की जाती है। किसी सुविधा ऋण एवं कटौती की, यानी आपको लोन देगा और कुछ डिस्काउंटेड भी होता है, और एक स्थान से दूसरे स्थान पर रकम भेजने की व्यवस्था की जाती है। नहीं होता है ना, एक जगह दूसरी जगह आपका खाता मुजफ्फरपुर में या दिल्ली में पैसा जमा कर लीजिए। तो ये सब बैंक का डिफिनेशन है। फिल्ले का है, सिराज का है, ये सब परिभाषा आप लोग देख लीजिएगा खुद ब खुद, चूंकि बैंक का तो डिफिनेशन है। आइए डेबेस्टर के बाद अगर मेरे विचार से पूछेगा कि बैंक का सर क्या परिभाषा होना चाहिए सरल रूप में, तो होता है कि बैंक एक ऐसी संस्था है जो अपने ग्राहकों के लिए धन संबंधी लेन देन के सब कार्य करते हैं। धन संबंधी, याद रखिएगा, धन संबंधी लेन देन के सभी कार्य करती है, जो साख में व्यवहार करती है, मुद्रा में व्यवहार करती है, साख का निर्माण करता है इत्यादि। तो आप लोग समझ गए कि बैंक क्या है और इसका डेफिनेशन। थैंक यू। हाँ, आज हम लोग बात करेंगे बैंक के बारे में, और यह जो बैंक है, बैंक विकास, उसका डेफिनेशन, उसका वर्क और इम्पोर्टेंस, और बैंकिंग संबंधित जो क्वेश्चन है, ये न केवल बिहार, यूपी वगैरह हर जितने भी यूनिवर्सिटीज हैं सारे स्टूडेंट के लिए फायदेजनक है। आगामी जो एग्जाम हो रहे हैं अभी, वो सारा एग्जाम लगभग आपको ऑब्जेक्टिव से सिस्टम से कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं, सब्जेक्टिव से क्या आ रहे हैं। तो मैं जो वीडियो बना रहा हूँ दोनों को देखते हुए बना रहा हूँ कि कौन सा एग्जाम आपको किस बेसिस पर यूज कर रहा है। पहले अपना परिचय दे दूँ, मैं डॉक्टर अनुभव सर मुजफ्फरपुर बिहार से हूँ, जो आज एक बैंकिंग और डेवलपमेंट पे पूरी वीडियो आपको मिलेंगे। आप पूरी वीडियो देखिए, जितने देर का है, ज्यादा देर का वीडियो नहीं होगा। पहले लाइक और सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हमारी आगामी वीडियो मिलती रहे और समय से आपको मिलेंगे। तो जहां तक बात करें हम बैंक के शुभारंभ में, तो बैंक का जो शुभारंभ माना जाता है वो यूरोप से माना जाता है। आप लोग यूरोप जानते हैं, महादेश है, तो यूरोप महादेश से बैंकिंग की शुरुआत हुई थी, और उसमें इटली में सबसे पहले 1171 ईस्वी में बैंक का स्थापना हुआ था। कब हुआ था? 1171 में, मतलब 1171 में। कहाँ बैंक बनी थी? तो इटली में बनी थी, और उसका नाम था बैंक ऑफ बेसिल। उसके बाद लोगों को बैंक समझ में आने लगा कि यह बिजनेस में और औद्योगिक के क्षेत्र में भारत या किसी भी देश की इकोनॉमी में बहुत इसका योगदान है। तो उसके बाद क्या हुआ कि सारा वर्ल्ड जो है इस सेगमेंट में अपना ध्यान लगाया और अपना काम किया। तो आपको मिलेगा कि 1401 में बैंक ऑफ बार्सिलोना, 1607 में बैंक ऑफ जेनेवा, 1609 यानी 69 में बैंक ऑफ एम्स्टर्डम, 1619 में बैंक ऑफ हैम्बर्ग और 1694 में बैंक ऑफ इंग्लैंड आदि
स्थापना हुआ। तो ये सारा जो बैंक था वो यूरोपियन आसपास इंग्लैंड ये सब कंट्री में हुए, और हम जो भारतीय थे तो भारतीय पहले हम लोग तो 16वीं शताब्दी तक जब पढ़ेंगे तो उससे पहले राजा तंत्र था, फिर 1600 के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी वगैरह जो आई तो अंग्रेज वगैरह हमारे यहाँ अधिकार कर लिया। इंग्लैंड में 1833 में बैंकिंग अधिनियम का निर्माण हुआ था, क्या हुआ था इंग्लैंड में, तो जिसके पश्चात संयुक्त पूंजी वाली कंपनी और बड़ी बड़ी बैंकों का निर्माण हुआ। ज्वाइंट स्टॉक कंपनी में मतलब क्या हुआ कि लिमिटेड कंपनी बनी होगी, और लिमिटेड कंपनी का मतलब है कि अपना जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट है वो लार्ज किया गया होगा और आगे की ओर बढ़े होंगे। तो स्टूडेंट उस वक्त वाणिज्यिक बैंक नहीं था, तो वाणिज्यिक बैंक का निर्माण हुआ। कॉमर्शियल बैंक जैसे कि हम लोग देखते हैं आपके इंडिया में हुआ था, क्या नाम था, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। तो अगर आप कार्य के क्षेत्र के अनुसार बांटेंगे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया SBI और PNB सब में कुछ न कुछ डिफरेंस आया। PNB और SBI को चूंकि समानांतर हो गई क्योंकि बाद की बात, पर जब सिचुएशन पहले की है जब वो इंपेरियल फॉर स्टेट से बदला था तो उस पर भी हम लोग बात करेंगे, आपको बताएंगे। जहां तक कि हम लोग कंपनी इंडिया बैंकों के विकास के बारे में, हम लोग का जो कंट्री है इंडिया है, बिहारी है, मुजफ्फरपुर से है, तो अगर भारतीय बैंक के डेवलपमेंट के बारे में बात करें तो इसका भी विकास अच्छा हुआ, मगर हम लोग थोड़ा सा लेट कर दिए थे। और पहले भारत में प्रत्येक गांव में लगभग सराफा हुआ करता था, सराफा समझते महाजन, सराफा हुआ करता था। तो बैंक के जो बैंक के कार्य कर रहे थे और इनकी जानकारी फ्रांसीसी यात्री थे, पहले समझते थे यात्री के बारे में जो एक देश से दूसरे देश से फायान है, ATC है वगैरह, तो ये जो फ्रांसीसी यात्री था जेबी ट्रैवेनियर उन्हें 17वीं शताब्दी में भारत आया था, और उन्होंने अपने लेख में इसका जिक्र किया था कि भारत में जो काम करते हैं उसका नाम साहूकार है, जो सराफा है जो आदमी को लोन देते हैं उसके बिल्स को मौद्रिक हेल्प करते हैं और बदले में कुछ न कुछ इंटरेस्ट को चार्ज करता है। तो चलिए यहाँ तक हम लोग समझ गए, पर आगे बात करते हैं हम लोग कि फ्रांसीसी यात्री बंगाल में, भारत की जब बात करें तो बंगाल में 1786 में जनरल बैंक ऑफ इंडिया स्थापित, देखिए कब आ रहे हैं 1786 याद कीजिएगा 1786 में 1786 में। तो क्या बताया बच्चों कि भारत में जो है 1786 में स्थापित जनरल बैंक ऑफ इंडिया, याद रखिए जनरल बैंक ऑफ इंडिया कब 1786 में 1786 में, जबकि पहले यूरोप में जो इटली में शुरू हुआ था वो कब हुआ था 1171 में। देखिए कितना गैप हो गया 1171 और 1786, मतलब हम उस लाइन में आने में कितना गैप, 600 साल का गैप है, कितना जवान आगे चला गया। अगर आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं, कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, तो समझ सकते हैं इतना ग्रोथ कितना मायने रखता होगा। देखो इटली या जो पुनर्जागरण का केंद्र हुआ, औद्योगिक क्रांति के बाद इस क्षेत्र में तो काफी विकास हुआ था, तो हम लोग का भी विकास तो हुआ और थोड़ा देर से हुआ। चलिए तो 1786 में जो बैंक का स्थापना जो बंगाल हुआ था जनरल बैंक ऑफ इंडिया, इसको जिसे अगले ही वर्ष 1787 में शासकीय बैंक में बदल दिया गया, तो जो बैंक था वो भी खत्म कुछ बन गया, शासकीय बैंक बन गया, तो जो आपके पास एक बैंक बना था वो भी खत्म हो गई। खैर कोई बात नहीं, तब तक हम लोग क्या था 1700-1800 ईसा ईस्वी तो हम इंडिपेंडेंट थे ही नहीं, तो हमारा जो कंट्री था दूसरे के नियम से अंग्रेज का लॉ हम लोग के यहाँ चलता था। चलिए भारत में आधुनिक बैंक की स्थापना 1806 में हुई, इसलिए जब आप नेट पर खोजिएगा या कोई बुक्स में देखिएगा तो आपको 1806 ही मिलेगा, 1806 में बैंक की स्थापना हुई थी, और यह भी कलकत्ता में हुआ था, कहा हुआ था कलकत्ता में, इसका नाम था प्रेसिडेंसी बैंक यानी बैंक ऑफ बंगाल के नाम से भारत में बैंक बनी थी, पहला बैंक जो आधुनिक बैंक बनी थी। ठीक है, उसके बाद देखिए कि अपने भारत में बैंक का विकास किस क्रम में हुआ, जैसे 1840 में बैंक ऑफ बॉम्बे, 1843 में बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इनको नोट जारी करने का अधिकार था, याद रखिएगा नोट जारी करने का अधिकार था, अभी RBI के पास है, ठीक ना, तो उनको था। और 1965 में इलाहाबाद बैंक बनी, 1881 में अवध कमर्शियल बैंक बना था,
1894 में पंजाब नेशनल बैंक बना था, 1901 में पीपुल्स बैंक ऑफ इंडिया इत्यादि इस तरह के बैंक बने थे। पीपुल्स बैंक ऑफ इंडिया ऑल इंडिया क्रेडिट सर्वे कमेटी की अनुशंसा पर, याद रखें किसकी अनुशंसा, ऑल इंडिया क्रेडिट सर्वे कमेटी की अनुशंसा पर सन 1955 में इंपीरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ था। यानी इंपीरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण का मतलब हुआ कि ये पहले प्राइवेट सेक्टर की बैंक रही होगी, ये सरकार के अधीन काम नहीं करता रहा होगा, नहीं पर व्यवसायिक बैंक तो था। और इसको जब राष्ट्रीयकरण किया गया, चूंकि हम जानते हैं कि देश जब आजाद हुई थी 1947 में, तो 1950 अपना संविधान लाए, तो हम लोग उसी के बाद कुछ अपना अमेंडमेंट किए होंगे, तो उसके बाद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की। याद रखिएगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किसके चरण के बाद हुआ, तो इंपीरियल बैंक ऑफ स्टेट के जब हम लोग राष्ट्रीयकरण किए 1955 में, तो आपको क्या बना था, इसके बाद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का निर्माण हुआ था। नहीं अब देखिए 1171 आपका बैंक 1955 में आया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जो अभी का इंडिया का सबसे लार्ज कैपिटल वाली बैंक है। अभी देखिएगा कि जब इंडिया में जब इंदिरा गांधी की सरकार हुई थी 1969 में, 1969 में तो बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था उन्होंने, 14 बैंकों का, फिर 6 बैंकों का, बहुत सारे बैंक बन गए थे। अभी मोदी सरकार 2017 से लेकर अभी तक देखिए 2020 तक, तो बहुत सारे बैंकों का विघटन हो रहा है, कम कर रहा है, एमालगमेशन कर दे रही, मर्ज कर दे रही बैंक में बैंकों, तो अभी बहुत सारे बैंक मर्ज हुए हैं। तो इसके बारे में भी जानकारी ले लीजिए कौन सा बैंक कहाँ मर गया, क्या बना है। जैसे नोट कीजिएगा तो आपको एक पीएनबी बैंक है, पंजाब नेशनल बैंक, आपको क्या बोले हैं, पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना कब हुई थी, देखिए पंजाब नेशनल बैंक की जो स्थापना हुई थी हमारे यहाँ 1894 में, अंग्रेजे किया होगा नहीं पंजाब में, मतलब उनके शासनकाल में, सॉरी अंग्रेज ने स्थापना। तो आप देखेंगे पीएनबी के साथ ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक मिले, कौन बोला, ये ओरिएंटल बैंक ठीक है ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक, ये तीन कैपिटल आपस में, तीन बैंक आपस में मिल गए, केनरा बैंक प्लस सिंडिकेट बैंक मिल गई, यूनियन बैंक प्लस आंध्रा बैंक और कॉरपोरेशन बैंक, यूनियन आंध्रा बैंक और कॉरपोरेशन बैंक, तीनों बैंक छोटी छोटी कंपनी थी, स्वाभाविक है छोटे छोटे स्केल में काम करते रहे होंगे, तो ये बड़ी कंपनी बन गई। उसके बाद इंडियन बैंक और इलाहाबाद बैंक दोनों बन गए, बड़ी कंपनी बनी, बड़ी बैंक भी बनी। यहाँ पे हमको याद रखना होगा इस मोदी सरकार ने बैंकों का अमालगमेशन जो कर दिया, आपस में जो मर्ज कर दिया, मिला दिया, इसके क्या बेनिफिट्स हुए और क्या लॉस हुआ। तो ध्यान दीजिएगा बच्चों कि जब बैंकों का अमालगमेशन हो जाता है, आप लोग अगर यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है तो अमालगमेशन, एब्जर्शन, रिकंस्ट्रक्शन ये सब पढ़े होइएगा या जानते होइएगा, नहीं जानिए तो हम बता देंगे। दो बैंक जब आपस से मिल गया, मर्ज कर गया, क्योंकि तो नेचर समान है, मिल गया तो इनके कैपिटल लार्ज हो जाएंगे, याद रखिए कैपिटल इनका बढ़ जाएगा, इनका मार्केट का एरिया बढ़ जाएगा, जहां वो बिजनेस करते हैं वो एरिया इनका काफी लार्ज हो जाएगा, पहले से बड़ा सेक्टर में इनका काम हो जाएगा। ग्राहक का दबाव बैंक में बढ़ेंगे, कस्टमर्स ज्यादा हो जाएंगे, ये गवर्नमेंट को बेनिफिट होगा। पर पब्लिक को यानी आम स्टूडेंट को इससे क्या फायदा हुआ या क्या नुकसान हुआ, तो इसमें जॉब अपॉर्चुनिटी जो होंगे, जो वैकेंसी होंगे वो कम जाएंगे। यानी इसमें इसको देखिए होइएगा कि जब बैंकों का मर्जर हो रहा था तो बहुत सारे यूनियन जो थे इनका विरोध किए थे, किसी यूनियन ने सपोर्ट नहीं किया कि अच्छा हुआ कि बैंक आपस में मिल रहे हैं, नहीं एम्प्लॉयमेंट के लिए ही नुकसान है, इसलिए एम्प्लॉय एसोसिएशन जो भी है, कर्मचारी संघ जो है, इनका विरोध किया था, नहीं क्योंकि वर्क ज्यादा होगा और इनका कोई पेमेंट भी लार्ज हो गया, वैसे नहीं कैपिटल तो बढ़ गए। और देखिए होइएगा कि अभी वित्त मंत्री जो निर्मला सीतारमन है, उन्होंने 77,000 करोड़ का आर्थिक पैकेज दिया था उन लोगों को लोन के रूप में सारे बैंकों को, जिसमें कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र, आंध्रा, कनाडा जो मर्ज करके जो नया नया बैंक बने थे, सबको नवीनीकरण कैपिटल के रूप में बांटा था। नहीं तो अब देखिए कि जब एक कमर्शियल बैंक बनी होगी और ये बैंक जब 20-25 इतने बैंक जब बन गए, तो सरकार के सामने चुनौती होगा कि बैंक को रेगुलेट कौन करे, कि बैंक को संभालेगा कौन। जिस तरह से आप देखिएगा कि शेयर अभी जो लगाते हैं पैसा, तो शेयर को कौन, सेबी जो शेयर एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो है वो उसको गाइडलाइन करती है। तो किसी भी कंट्री में, चूंकि 1171 में जो बैंक बनी, तो वहां भी तो बैंक का डेवलपमेंट काफी ग्रोथ हुआ, बैंक काफी बढ़ी आगे,
तो जब काफी बैंक आगे बढ़ा तो क्या हुआ, जब बैंक ज्यादा आगे ग्रोथ किए तो वो तो अपनी मनमानी करेंगे, तो उसके लिए सेंट्रल बैंक जो केंद्रीय बैंक है उसकी स्थापना की गई। सारे दुनिया के लोग कहने नहीं इसकी जरूरत है, आइए हम लोग तो सेंट्रल बैंक बनाते हैं, इसको हम लोग केंद्रीय बैंक कहते हैं। नहीं तो सेंट्रल बैंक की जरूरत हुई, और इसी सदी में बिलडोजर्स की। तो आप देखेंगे कि जब केंद्रीय बैंक की स्थापना हुई तो केंद्रीय बैंक के बारे में अगर इम्पोर्टेंस अगर आप खोजेंगे, एक बंदा था उसका नाम था बिल रोजर्स, काफी अच्छे आदमी थे। इन्होंने केंद्रीय बैंक का जो इम्पोर्टेंस था, बिल रोजर्स साहब ने बताया कि जिस तरह से संसार में तीन सबसे बड़े आविष्कार हुए, ऐसे आग का आविष्कार देखते हैं, आग को जाकर लोगों को टेस्टी भोजन मिलने लगा, नहीं लोगों टेस्ट से लोग वाकिफ हो गए, तो टेस्ट लोगों भुजा हुआ खाना जो पकाए खाते, पहले तो लोग पका के नहीं ना खाते थे। तो ये आग का आविष्कार, पहिया का आविष्कार जो था, चक्के की खोज मनुष्य के जीवन जिस तरह से बहुत आगे बढ़ा ले गया, उसी प्रकार से उतना ही महत्वपूर्ण वित्तीय जगत के लिए केंद्रीय बैंक, वित्तीय जगत के लिए कौन बैंक हुआ, केंद्रीय बैंक। केंद्रीय बैंक मतलब सेंट्रल बैंक जो बैंकों को गाइडलाइन देती, तो वो बैंक स्थापित करने के लिए रोजर्स जो थे, बिल रोजर्स, उन्होंने इतना इम्पोर्टेंस बताया। दुनिया में जब इसकी मूल जो पहल हुआ था बच्चों, तो सबसे पहले 1656 में स्वीडन में एक बैंक, सेंट्रल बैंक स्थापित हुई थी जिसका नाम था स्वीडन बैंक। क्या नाम था? स्वीडन बैंक के नाम से स्थापित हुआ। इसके बाद 1694 ईस्वी में बैंक ऑफ इंग्लैंड, स्वाभाविक के नाम समझ गए, बैंक ऑफ इंग्लैंड कहाँ हुआ, हुआ इंग्लैंड में, बैंक ऑफ इंग्लैंड की स्थापना हुई, जिसे केंद्रीय बैंक की जननी कहा जाता है, मदर ऑफ ऑल सेंट्रल बैंक है। इसमें इन्होंने ज्यादातर अपने जो रूल्स गाइडलाइंस बनाए, इससे बहुत सारे बैंक, बहुत सारे जगह के जो स्वीडन वाला से भी बढ़िया बैंक का इन्होंने रूल्स गाइडलाइंस दिया था जो बैंकों के लिए स्थापित हो। याद रखिएगा कि बैंकों का बैंक फादर ऑफ बैंक या मदर ऑफ बैंक कहिएगा, किनका नाम आता है, बैंक ऑफ इंग्लैंड। कब हुआ था? 1664। 1800 में बैंक ऑफ फ्रांस कहाँ आ रहा होगा, फ्रांस में। 1814 में बैंक ऑफ नीदरलैंड, 1856 में बैंक ऑफ स्पेन, 1877 में बैंक ऑफ रसिया। देखिए हर कंट्री के साथ उसका बैंक के साथ नाम जुड़ा हुआ है नहीं। 1875 में रिज़र्व बैंक ऑफ जर्मनी, रिज़र्व बैंक का था जर्मनी का था, ठीक है। और 19वीं सदी में बहुत सारे कमर्शियल बैंक बने और सेंट्रल बैंक बने, और उसका डेवलपमेंट भी हुआ। इसी प्रकार से भारत में भी बैंक बना, कब बना, भारत में, इंडिया में भी सेंट्रल बैंक का निर्माण हुआ। याद करो सेंट्रल बैंक का निर्माण इंडिया में होता है 1935 में। तो जिस तरह से कोई और कहे कि सर 1914 में जो बैंक ऑफ नीदरलैंड, 1814 में जो बैंक ऑफ नीदरलैंड बनी, 1856 में जो बैंक ऑफ स्पेन बना, 1869 में जो बैंक ऑफ रसिया बना, उसी तरह से हम लोग क्या बैंक ऑफ इंडिया रहता, नाम हो सकता नहीं, उसी को केंद्रीय बैंक बना दिया जाता। ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि इंडिया में जो रूल्स पारित हुई या जो गाइडलाइन होता था उस वक्त गवर्नर जनरल होते थे, नहीं जो ब्रिटेनी सरकार का रिप्रेजेंट करता था इंडिया में वो गाइडलाइन करता था, तो वो अपने मन से कुछ नहीं कर सकता था जब तक कि उसमें कुछ विकास नहीं करता। तो याद रखेंगे कि 1935 में केंद्रीय बैंक के रूप में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई। याद रखिएगा हम क्या बोले, हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश पर, कौन सी सिफारिश पर, हिल्टन यंग की सिफारिश पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई। तो अब दो तरह की बात ये आ गई कि सर एक बैंक हुआ, एक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हुआ जो बैंकों का बैंक है। याद रखें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या है, बैंकों का बैंक है, और एक बैंक है जो कॉमर्शलाइज बैंक है, वित्तीय बैंक है, फाइनेंशियल बैंक है, जो आदमी को आए दिन बहुत सारा के काम देते हैं। अब बात करेंगे हम बैंक के वर्ग पर, तो हम समझाएंगे कि अभी कौन सा बैंक किस तरह के काम करते हैं। तो पहले याद रखिएगा, जो बच्चा 2020 से पहले अगर आप कहते तब बैंकों की कुल संख्या 14 राष्ट्रीय 1927 के आसपास था, और अभी जो बैंक की संख्या 12 घटाई कर दी गई है। जो केंद्रीय सेंट्रल जो बैंक है 12 बैंक है भारत में जो वाणिज्यिक के रूप में काम करता है, और हर बैंकों का एक ही तो बैंक होता है किसी भी देश में, सेंट्रल बैंक जो बैंकों का बैंक होता है, भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। याद कीजिएगा जो ऑब्जेक्टिव एग्जाम देने वाले हैं यहाँ से क्वेश्चन आते हैं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब की गई थी, बताइए 1935 में किया गया था, कब किया गया था
1935 में किया गया था। अब एक और क्वेश्चन बच्चों आते हैं कभी कभी कि SBI जो बैंक बनी वो किस बैंक के राष्ट्रीयकरण के पश्चात बनी, या उस बैंक का पहले नाम क्या था? नहीं, इम्पीरियल बैंक था, आप लोग याद करेंगे, ठीक ना। तो यहाँ से कभी कभी क्वेश्चन जो है वो आते हैं और क्वेश्चन हमको याद रखना चाहिए। अब हम लोग बात करेंगे बैंक के दो सेगमेंट है, एक तो केंद्रीय बैंक के बारे में तो हम बताएंगे ही बताएंगे आपको, पर फिर आपको हम क्या बताने जा रहे हैं कि जो बैंक है उसके कार्य के बारे में बताएंगे कि बैंक के क्या कार्य है, आप बने रहिए और देखिए हमारे साथ कि बैंक के कार्य आपको बताते हैं। कॉमर्शियल सेगमेंट में बात करिएगा तो बैंक का जो काम है, जो वित्तीय बैंक का जो कार्य होता है, तो देखिएगा बैंकिंग प्रणाली में बहुत सारा, पहला नंबर तो बैंक हमारा खाता खोलता है भैया, नहीं बैंक क्या करता है, हमारा अकाउंट ओपनिंग करता है। तो बैंक अकाउंट ओपनिंग करता है तो कौन कौन सा अकाउंट ओपनिंग करता है मोटा मोटी आपको याद कराते हैं। पहला नंबर हम लोग स्टूडेंट है, नहीं स्टूडेंट जाते हैं कि भैया हम करेंट अकाउंट खोल दीजिए, तुम्हारा बचत कम है यार, सेविंग अकाउंट खुलवाइए। हम लोग सेविंग अकाउंट मारते हैं, आप ATM से पैसा निकालिएगा ना, देखिए वहां पर लिखा रहेगा सेविंग अकाउंट करेंट अकाउंट, हम लोग कौन अकाउंट चलाते हैं सेविंग अकाउंट, मगर जो बिजनेसमैन होते हैं उनका अकाउंट होता है करेंट अकाउंट, ठीक है ना। तो बैंक का काम क्या है, पब्लिक का जो डिपॉजिट्स होते हैं, जो निक्षेप होते हैं, उनको एक्सेप्ट करता है कुछ अवधि के लिए और अवधि के बाद उनको इंटरेस्ट के रूप में रिटर्न करती है। उसका एक सावधि जमा खाता होता है और सावधि जमा खाता 15 दिन, 25 दिन, 120 दिन, सावधि में एक टर्म के बाद आपको पैसा उसमें लोग बार बार पैसे जमा करते हैं, एक बार में नहीं, महीना में, दिन पर, सप्ताह में, ऐसे। एक बैंक का होता है सेविंग अकाउंट, सेविंग अकाउंट प्राय कम कमाने वालों का सेविंग अकाउंट, मध्यम वर्गीय लोगों का सेविंग अकाउंट होता है। और इस सेविंग अकाउंट में रेट ऑफ इंटरेस्ट ठीक होता है, अभी 3% के आसपास रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो इस तरह से लोग सेविंग अकाउंट चलाते हैं। चालू खाता जो होता है वो करेंट अकाउंट, अभी बताया ना व्यवसायी वर्ग का चालू अकाउंट, चालू खाता होता है। और चालू खाता में क्या होता है कि आदमी दिन भर में कितने बार पैसा रख सकता है और कितना बार भी पैसा निकाल सकता है, चालू है, इसीलिए इस पर इंटरेस्ट नहीं दिया जाता, सफाई एकदम नाम मात्र या नहीं दिया जाता है, कभी कभी तो इसे इंटरेस्ट लिया भी जाता है। अब आपको जान के बहुत अच्छा लगेगा या आश्चर्य होगा कि जो क्या कहें करेंट अकाउंट जो होता है, तो करेंट अकाउंट वाले को ओवरड्राफ्ट का भी सुविधा होता है, ओवरड्राफ्ट होता है जमा राशि से ज्यादा निकालने की सुविधा होती है, उनको ओवरड्राफ्ट कहते हैं। तो करेंट अकाउंट होल्डर्स को पावर होता है कि वो अपने साथ ओवरड्राफ्ट कर सके, जब वो ओवरड्राफ्ट करेंगे तो कंपनी जो अकाउंट होल्डर होते हैं वो अपने बैंक को ब्याज देते हैं। अभी देखिए आपको बहुत सारी कंपनी फोन करेंगे, सर आप क्रेडिट कार्ड बनवा लीजिए, नहीं करेंट अकाउंट खोलवा लीजिए, आपको लोन देते हैं, गाड़ी ले लीजिए, जैसे वो बैंकिंग से लेते हैं या कुछ लेते हैं तो उस पर हमको इंटरेस्ट देना पड़ता है। आइए तो बैंक का ये काम समझ के क्या काम है समझाया आपको, निक्षेप स्वीकार करना है, सावधि जमा खाता है, बचत खाता और करेंट अकाउंट है। चलिए एक होता है घरेलू बचत खाता, डोमेस्टिक जो सेविंग अकाउंट है समझते हैं, उस खाता में क्या होता है ग्राहक को एक लोहे का गुल्लक दे दिया जाता है, जैसे कि ये है ना एक लोहे का गुल्लक दे, एक ऊपर छेद रहता है, नीचे से लगाने वाला एक ताला रहता है, तो लॉक कर देता है और उस लॉक को चाबी जो है बैंक अपने पास रखती है, आप उसको खोल करके पैसा उससे नहीं निकाल सकते हैं। और वो गुल्लक जिनके घर में होता है वो ले जाके बैंक में गए, उनके सामने में उसका लॉक ओपन किया जाता है और पैसा काउंट करके उसके खाते में जमा कर दिया जाता है, यह जमा को बढ़ाने का एक कारण। तो ये घरेलू बचत खाता जो है आप समझ गए होइएगा कि उसके पास तिजोरी होता था जो कुछ होता था। अनिश्चितकालीन बचत खाता ये पॉपुलर नहीं हो सका इंडिया में, कारण है कि अनिश्चितकालीन के लिए हमने यहाँ पैसा नहीं रखाता है, नहीं हम लोग यहाँ एक निश्चित काल के लिए पैसा रखाता है जहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं। आइए तो अब ये बैंक का काम हो गया, बैंक का और सेगमेंट में काम देखिए, बैंक का और काम है ऋण देना, लोन देना। नहीं याद रखिएगा मेरी बात, जब भी आप लोन लीजिएगा तो बैंक दो तरह की लोन देती है, एक लोन देता है जो जिसका फिक्स रेट होता है, एक फ्लक्चुएटिंग रेट होता है, जो RBI लोन ब्याज दर घटाएगी तो बैंक भी ब्याज दर घटाएगी, और बढ़ाएगी तो बैंक भी बढ़ाएगी। तो आप लोग हमेशा इंटरेस्ट फ्लक्चुएटिंग वाले पे लीजिएगा, हमको खुद नॉलेज नहीं था तो मैंने फिक्स रेट पर ले लिया जिसके कारण हमको ज्यादा इंटरेस्ट देना पड़ रहा है। तो दूसरा काम होता है ऋण देना, तो बैंक ग्राहक को उधार में लोन देती है, याद रखिएगा कि इंटरेस्ट रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, सबका रेट अलग अलग होता है, तो मेरा दूसरा वीडियो लीजिएगा तो रिवर्स रेपो रेट के बारे में मैं बताऊंगा क्योंकि इसका भी बहुत हो जाएगा। तो बैंक का दूसरा काम क्या है, आपको लोन देना,
लोन किस किस सेगमेंट में ऋण देती है, तो जैसे कुछ लोन्स का नाम मैं लेता हूँ, देखिएगा अभी अभी का जो चल रहा है दिन, ये आज का तारीख 28 2020 है, 28 जुलाई है, तो लोन किस किस सेगमेंट में देगा आपको, तो जैसे गृह हाउसिंग लोन देता है आपको, हाउसिंग लोन घर बनाने के लिए लोन देता है, और उस पर सरकार इंटरेस्ट लेती है, बैंक इंटरेस्ट लेती है, सॉरी सरकार बैंक इंटरेस्ट लेती है, कार खरीदने के लिए लोन देता है, उसके बाद आपको एजुकेशन लोन देता है, और अच्छा लगेगा जान के आपको कि एजुकेशन लोन का भी काही इंटरेस्ट रेट जो है सबसे ज्यादा है, कार वगैरह से भी ज्यादा उसी का है, तो एजुकेशन लोन देती है, हाउसिंग लोन देती है। आजकल जो क्रेडिट कार्ड लोन जो चला है, ये काफी लोग मध्यम वर्गीय परिवार को लोग बर्बाद कर दिया है, और लोग उस क्या होता है कि लोग उस क्रेडिट कार्ड के पैसा को आमदनी समझते हैं, उसी से खर्चा कर लेता है, जबकि उस प्रकार का खर्च है और आपको भुगतान करना पड़ता है इंटरेस्ट के साथ। कुछ आपको मोटा मोटी और जानकारी दे दें कि जो सारे बैंक का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 0.5251 इतना ही का अंतर होगा, ज्यादा का इंटरेस्ट रेट नहीं होगा, वो भी ज्यादा डिफरेंस सरकारी और प्राइवेट में अलग हुआ। जिस तरह से आप रेट ऑफ इंटरेस्ट चेक करिएगा HDFC का, PNB का, SBI का, किसी लोन को उठा लीजिए, हाउसिंग लोन, कार लोन, सेविंग अकाउंट लोन वगैरह, तो इस तरह से आपको हल्का आपको अंतर मिलेंगे। एक ही इंटरेस्ट रेट पर प्राय बैंक नहीं देते, लोग चाहते हैं ना कस्टमर हमसे लीजिए, नहीं, सबसे खतरनाक बैंक SBI बैंक, ये बहुत ग्राहक का पैसा काटती है, 3000 रुपया बैलेंस नहीं है तब पैसा काट लेगी, 5 बार आपको ATM से ज्यादा विड्रो होगा तब पैसा काट लेगी, इसलिए बच के हम उसको बैंक पैसा, खाता तो मेरा भी है, मैं पैसा नहीं डालते जल्दी जाके, क्योंकि लोग पेमेंट बाहर से करते लगते हैं। अच्छा चलिए, नगद साख में भी होता है, नगद साख में ग्राहक को जब जितनी रकम की आवश्यकता पड़ती है उतनी रकम निकाल सकता है, उसे केवल वास्तव में निकाली गई रकम पर ही ब्याज लगता है। जैसे आप पढ़िएगा करेंट अकाउंट में आपके नाम पर 8 लाख रुपया अगर रख दिया गया है और आप यदि 8 लाख से कम निकालते हैं तो जितना निकालिएगा उतना ही आपको ब्याज देना पड़ेगा। नहीं, अब देखिए नगद साख और ओवरड्राफ्ट दोनों में अंतर है कुछ, जैसे हम अभी बताए ना ओवरड्राफ्ट में नगद साख में, तो दोनों समान नहीं है, कैश क्रेडिट एंड दोनों में डिफरेंस है। जैसे नगद साख किसी भी व्यक्ति या ग्राहक को दी जा सकती है, परंतु ओवरड्राफ्ट की सुविधा सीसी अकाउंट की सुविधा केवल उन्हीं को मिलता है जब जो बैंक के लिए काफी भरोसेमंद और पुराने कस्टमर होते हैं। अवधि देखिएगा, जो पीरियड होता है, तो नगद साख प्राय 1 वर्ष के लिए स्वीकार की जाती है, तत्पश्चात ग्राहक इसका नवीकरण करा लेता है और उसमें जो है वो 3 माह के लिए दिए जाते हैं ओवरड्राफ्ट की सुविधा। नगद साख सदैव पूरी प्रतिभूति रखने के पश्चात स्वीकार की जाती है, मतलब आपको अगर नगद में कैश में लोन चाहिए, जैसे आपको घर बनाने के लिए पैसे चाहिए, तो घर का पहले बैंक कागज मांगेगा आपको, घर का कागज दीजिए, जमीन का कागज दीजिए, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल दीजिए वगैरह, बहुत सारे कागज का वो आपको वेरीफाई करेगा। जबकि अधिविकास प्राय व्यक्तिगत प्रतिभूति पर भी दिए जाते हैं, क्योंकि चालू खाता रखने वाले व्यक्ति एवं संस्थाएं बैंक के पुराने ग्राहक होते हैं, जो पुराने ग्राहक होता है ना उसी को ओवरड्राफ्ट का सुविधा मिलता है। व्यापारिक बिलों की कटौती करता है वो बैंक होता है, जो बिजनेस का जो बिल होता है उसको डिस्काउंट कराता है, उस डिस्काउंट के एवज में उनको कमीशन मिलता है। आइए अभिकर्ता संबंधी एजेंसी संबंधी अधिकार जिसके अंतर्गत आते हैं और जो बैंक अपने ग्राहकों के आदेशानुसार उनकी ओर से करता है उसे निःशुल्क प्रदान की जाती है एजेंसी। अभी भी देखिएगा कि बैंक सबका स्मॉल एक छोटा छोटा प्राइवेट एजेंसी लेकर काम कर रहा है, तो वो उन्हीं बैंक से जुड़े होते हैं जिन्होंने उनको एजेंसी करने की ऑर्डर्स दिए हैं। ग्राहक सेवा केंद्र, हाँ यही नाम रहता है, ग्राहक सेवा केंद्र। आइए अब ग्राहकों की ओर से भुगतान करना, बैंक ग्राहकों की ओर से कैसे भुगतान करेगा ग्राहक की ओर से। देखिए जैसे कि मान लीजिए कि मैं डॉक्टर अनुभव सेन अपना इंश्योरेंस कराया ICICI के थ्रू, और वहां पे ICICI के फॉर्म में लिख भर रहे थे SBI में, हाँ तो आइए आगे हम देखते हैं कि बैंकों के जो वित्तीय जो लोन वाला जो वर्क मैं बता रहा था, तो अभी गोपन के रूप में भी उसको अंडर राइटिंग में, ट्रस्टी के रूप में, वित्तीय कार्ड लॉकर की सुविधा के रूप में, ये सबसे कार्ड है जो लोन देते हैं। लॉकर सुविधा समझते हैं, बैंक में लॉकर में जाइएगा और आप जो है अपना रखेंगे गहना हो गया, ज्वेलरी कहते हैं, जमीन का डॉक्यूमेंट या वगैरह को, उसके बदले में आपको बैंक को चुकाना पड़ता है पैसा और बैंक आपको सुविधा देती है, सिक्योरिटी देता है। चलिए इलेक्ट्रॉनिक
आधारित बैंकिंग। आजकल बैंक जो एटीएम वगैरह काम करती है, एसएमएस सुविधा देती है हम लोगों को, देखिएगा कि आप पैसा डिपॉजिट करेंगे, विड्रॉ करेंगे तो आपके मोबाइल पे एसएमएस आ जाएगा, तो उस एसएमएस का भी चार्ज बैंक को देना पड़ता है और एटीएम का चार्ज भी देना पड़ता है। इसलिए आपको जरूरत नहीं हो तो एटीएम नहीं लीजिए, नहीं तो बिना मतलब का एटीएम का चार्ज 120 रुपया 150 रुपया बैंक आपको काटेगी। तो साख निर्माण करता है प्रोफेसर सेगल के अनुसार बैंक केवल एक द्रव जुटाने वाली संस्था नहीं है, वरना वह द्रव का निर्माण भी करता है, लोगों में कैपिटल का निर्माण भी, छोटे छोटे बचत वाले जो होते हैं, छोटे छोटे जो दुकानदार या घरेलू आदमी होते हैं जो अपना काम करते हैं, तो बैंक में भी अगर छोटी छोटी बचत भी रखते हैं जैसे तो बैंक लार्ज पैसा बन जाता है। जैसे कि मान लीजिए हम कुछ कमाने वाले आदमी सोचेंगे कि जब मेरे पास 1 लाख रुपया होगा तभी हम बैंक में जाएंगे जमा करने, तो पता है कभी नहीं जाएंगे जमा करने। आदमी 2000-4000 तक कैसे जमा करता है, तो बैंक में कुछ कैपिटल का निर्माण हो जाता है जो आपके लिए काम करेगा, इन्वेस्टमेंट कहीं आप कर सकते हैं। अच्छा, जब ये जो भी अभी के बात नहीं पहले की बात करें तो बैंक में प्रकार था, काइंड था, जिसे अभी ना देखते हैं, जिससे आप लोग क्या पढ़े, भारत में सबसे पहले 1806 में बैंक जो स्थापित किया गया था, बैंक ऑफ बंगाल 1881 में स्थापित हुआ था, अवध कॉरपोरेशन बैंक इत्यादि 1955 में इम्पीरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण करके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बना था, 1935 में बैंक ऑफ इंडिया ये बनी थी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सेंट्रल बैंक थी आपको, तो व्यापारिक बैंक, तो पहले बैंकों का ज्वाइंट स्टॉक में अलग अलग वर्ग था कि भैया तुम इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में इंडस्ट्री में काम करो, कोई एग्रीकल्चर में काम करो, नहीं कोई कृषि में काम करो, विकास डेवलपमेंट में बात काम करो। भारतीय औद्योगिक विकास कारण है कि 1948-47 के आसपास मेरे कंट्री में तो जीने का साधन था, लोगों को उचित भोजन, जल, वस्त्र, कपड़ा, मकान मुहैया नहीं था। आज का जो इंडिया है 2020 का, 1947 में बहुत का डिफरेंस है। कभी पुराने दादाजी मिल गए मैं जिंदा और पूछिएगा, उस वक्त गेहूं की रोटी सबको नहीं मिलता, और अभी हम लोग गेहूं की रोटी बच जाता है और बहुत आदमी इज्जत भी नहीं करते, फेंक देते हैं, रखना चाहिए उसको, इज्जत देना चाहिए। वर्ल्ड बैंक बना भी वर्ल्ड बैंक है, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड का निर्माण होता है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है, यानी अब जो बैंक है वो इंटरनेशनल पैमाने पर है, नेशनल पैमाने पर बैंकों का बैंक है, सारे कंट्रीज मिलकर अपना इन्वेस्टमेंट का प्लान बनाते हैं, अपना मार्केटिंग का प्लान बनाते हैं। नहीं अभी देखते हैं, पहले के समय में किसी को कोई हराता था तो अपना फोर्स से हराता था, ताकत से हराता था, अभी इकोनॉमिकल वार होता है, चाइना इंडिया पर इकोनॉमिकल वार करता है, तब इंडिया देखिए कितना ऐप को बैन किया उसको, क्यों किया, कि वो आपको इकोनॉमिकल रूप में हराना चाहता है। तो आपको हराने कॉमर्स के स्टूडेंट या इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट होने के नाते हमारे यहाँ की जिम्मेवारी बनती है कि हम अपने आवाम के बच्चों को बताएं कि हम उसको हराने के लिए बैन करने से अच्छा है कि हम अपने बच्चों को इतना तेज बना दें कि वो समझ जाए नहीं कि देशभक्ति हमको कैसे दिखानी है। अब वो इंडिया सरकार कहेगा कि नहीं, हेट चाइनीज थिंग्स, चाइनीज सामान को छोड़ दो, तभी हम चाइनीज सामान नहीं खरीदेंगे, नहीं कोई तिरंगा यात्रा निकाले तभी समझे कि हम इंडियन, ऐसे नहीं, हमारी फीलिंग्स होनी चाहिए, हम तिरंगा यात्रा में है नहीं, हूँ तिरंगा के प्रति सम्मान कम नहीं होनी चाहिए, हम मार्केट में जाए तो चाइनीज सामान का विरोध करने का मेंटेलिटी मेरे में होना चाहिए। चलिए तो ये सब चीज था, आइए तो बैंक का महत्व आपको नहीं पता, बैंक का महत्व बता देते हैं। मेरे विचार से जिस तरह से मनुष्य के शरीर में रीढ़ नहीं हो, शरीर में ब्लड नहीं हो तो शरीर बेकार हो जाता है, ढांचा है, लकवा मरा हुआ आदमी वाली बात हो जाएगी। तो अगर व्यवसाय जगत से, वित्तीय जगत से बैंक को नोच अगर मैं अलग कर देता हूँ तो बैंक सही में किसी भी कंट्री का जो व्यवसाय है वहां जा खड़ा होगा जो नपाषाण काल में मनुष्य का स्थिति था। सोचिए कि आपका बेटा गुजरात में है, 2 मिनट नहीं लगता है, आप पैसा, हाँ बेटा 1 लाख ट्रांसफर हो गया, पेमेंट करो कॉलेज को, तो ट्रांसफर हो जाता है। अगर नहीं हो तो पैदल लेके जाना पड़ने वाली बात, कितना रिस्क है आपको, 10,000 के लिए लोग लोग को जान मार देता नहीं। तो मेरे विचार से बैंक इज द ब्लड ऑफ सिस्टमैटिक इकोनॉमिक सिस्टम, इकोनॉमिक सिस्टम के लिए ये ब्लड है और यह रीढ़ की हड्डी के रूप में प्रोटेक्ट करता है, लोगों को मदद करता है। तो चलिए तो बैंक जो है आपको इम्पोर्टेंस के रूप में क्या क्या करता है बाबू, पहला नंबर पूंजी संचय में सहायक, पूंजी को रिजर्व करता है, कहे ना अभी कि छोटा छोटा बचत भी डालने से एक मध्यम और गरीब आदमी को या किसान आदमी को, हमारे जैसे आदमी को कुछ कैपिटल का निर्माण हो जाता है, कुछ कैपिटल बन जाता है। वर्तमान में बैंक जनसाधारण की बचत को सुरक्षित रखता है, सुरक्षित रखता है, आज दिन तक बैंक लुटा जाता है, मगर क्या करता है, सुरक्षित रखता है, पैसा को रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है।
सुविधा प्रदान करता है। इस प्रकार बैंक समाज में पूंजी संचय करता है, पूंजी निर्माण को प्रोत्साहन देता है। आप छोटे छोटे बैंक से ट्रांजेक्शन करते हैं और बिजनेस करते हैं तो बैंक आपको इंटरेस्ट भी देती है ना, तो कैपिटल निर्माण में आपको आगे बढ़ाता है। घर स्थानांतरण में सुविधा, आप अपने यहाँ से SMS से, गूगल पे से, किसी चीज से अपना धन का जो है बैंक से लिंकअप रहता है, आप ट्रांसफर कर लेते हैं। साख पत्रों में प्रयोग करता है इसको, बैंक चेक, हुंडी, ड्राफ्ट, बिल आदि साख पत्र का प्रयोग करता है, उसको भजाता है। SBI का चेक आप PNB में जमा कर देते हैं और PNB का लफड़ा होता है कि SBI से पैसा कनेक्ट करना। अभी तो बैंक सब क्या कहते हैं उसको, कंप्यूटराइज है तो दिक्कत नहीं है। भुगतान की सुविधा, देखिए बैंक समाज को चेक या अन्य प्रकार से साख पत्र में भुगतान की सुविधा देती है। हम मुजफ्फरपुर के करौली में कॉमर्स पढ़ाते हैं, कोई अनवर्षक कितना का चेक काट दे, 10 का चेक काट दिया, तो मैं क्या करता हूँ उसको अपने अकाउंट में डालता हूँ और अकाउंट हमको क्लियरेंस करा के 3 दिन में रिपोर्ट देता है, मैसेज करता है कि हाँ ये चेक आपका क्लियर हो गया, योर अकाउंट इज क्रेडिटेड फलाना फलाना, डेबिटेड फलाना, नहीं ATM में आते हैं डेबिटेड को जमा करते क्रेडिटेड दिखता है ना, तो अकाउंट आपका क्रेडिट हो जाता है तो वो आपको भुगतान देता है। मुद्रा प्रणाली में लोच होता है, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ मॉनेटरी सिस्टम। लोच का मतलब समझिए, बहुत सारा बच्चा है जिसको लोच पता ही नहीं, लोच का मतलब समझता है लचा देना, झुका देना, नहीं, लोच का बहुत बड़ा से अगर हम कहीं 2-4 घंटा केवल फ्लेक्सिबिलिटी पर बता सकते हैं। लोच का मतलब होता है कि जिसने भुगतान करने की क्षमता हो, नहीं, लोच का मतलब क्या होता है, मुद्रा संबंधी आवश्यकताओं को परिवर्तन होते रहता है, कभी कभी तो ऐसा परिवर्तन अकस्मात ही चले आते हैं, बैंक की समस्या को साख मुद्रा के आवश्यकता अनुसार प्रसार में संकुचन करने के लिए मुद्रा, देखिएगा 2020 में एक बैंक था, बैंक ऑफ महाराष्ट्र ही था जो लॉक कर दिया गया था क्योंकि उसमें भुगतान करने की क्षमता खत्म हो गई थी। इसी को कहते हैं लोच का खत्म होना। जिस तरह से अकाउंट देखिए, हिंदुस्तान का प्राइवेट सेक्टर की बैंक है सहारा इंडिया बैंक पब्लिक से लिया पैसा, किस में पब्लिक से पैसा लिया और पब्लिक के पैसे को उसने जमीन में इन्वेस्ट कर दिया, जो कि उसका पैसा SEBI का पैसा था, मगर शेयर में लेने के नाम से पैसे लिए और पैसा को उन्होंने लैंड में इन्वेस्ट कर दिया। तो जब लैंड कॉमर्स या इकोनॉमिक्स के बच्चे समझते होइएगा कि लैंड आपका फिक्स एसेट्स है, तो फिक्स एसेट्स में पैसा बढ़ेगा यह सही बात है, रियल एस्टेट में पैसा बढ़ेगा सही बात है, मगर इसमें लोच का भाव होता है। आपको जमीन चाहिए कि अभी बिक जाए, नहीं बिकेगा, 2-4 दिन, महीना दिन, 10 दिन लगेगा, तो आप भुगतान करने की क्षमता पर उसका प्रभाव पड़ता है। इसीलिए बैंक जो है करेंट रेशियो एंड लिक्विड रेशियो निश्चित निकालता है। लिक्विडिटी रेशियो बराबर होना चाहिए और करेंट रेशियो 2:1 होना चाहिए, तो करेंट रेशियो को बनाए रखता है। आगे व्यापार उद्योग में सहायता होता है, व्यापार और उद्योग में सहायता इसलिए होता है कि आप कहीं भी हम लोग पेमेंट कर पाते हैं डिजिटल कैश के जमाने में, और ग्राहकों के विविध सेवाएं हैं, संपत्ति की सुरक्षा होती है, चोरी छीनना या कोई जान का तो खतरा पैसा से बना ही रहता है, तो अगर हम उसको बैंक को पैसा को जेबी में लेके नहीं चलते हैं, बैंक में रखते हैं, मोबाइल ऐप से पेमेंट वगैरह करते हैं, तो जान पर खतरा नहीं पड़ता है, बचा रहता है, मतलब आपको सुरक्षित रखता है वो। और सरकार को सहायता मिलता है, सरकार को सहायता, देखिए सहारा जो होता है तो न केवल आप बल्कि बैंक भी आपका सहारा है और बैंक के लिए आप भी सहारा है। सर एक ऐसा बात कर दी, बैंक में यदि आप अकाउंट ओपन करवाते हैं तो बैंक में तो आप पैसा रखते हैं ना, तो सारा जितना भी बैंक का अकाउंट होल्डर्स है और पहुंच जाएगा कि भैया SBI मेरा पैसा दे दो, एक ब्रांच गंटी चोरी, एक ब्रांच को पेमेंट नहीं कर सकता कोई बैंक एक दिन में, इसीलिए पेमेंट होता है उसको लोग भुगतान करने जाता है और लोग विड्रॉ करने जाता है। अभी लॉकडाउन का पीरियड है तो बहुत सारे लोग भुगतान करने में देरी करते हैं। चलिए, आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा या कुछ गड़बड़ी होगी तो जरूर हमको कमेंट करके बताइएगा कि सर यहाँ पे सुधारिए या कुछ कीजिए, हम उसको सुधार करेंगे। कुछ डिमांड हमारे पर GST का डिमांड आया है और BSc बिजनेस स्टडीज बनाने का डिमांड आया है, हम उस पर वीडियो बनाएंगे बहुत जल्द आपके हम आपको प्रस्तुत करेंगे। इससे पहले कि आप स्किप करें, कृपया करके लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, ताकि हम इस तरह से रोचक जानकारियां जो कि स्टूडेंट के लिए बहुत जरूरी होता है जानना, और हमारे कंट्री के लिए जो बच्चे हैं धरोहर है, आप अच्छे ज्ञान से हमेशा नवाजा जाए, तो आप जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज, ताकि हम आपको हमेशा अच्छी जानकारी दे सके। थैंक यू, धन्यवाद।